दो तो हम आपके लिए लेके आए हैं MNNIT, यही MNNIT का फॉर्म। जी हाँ, जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट फॉर्म है। इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित MNNIT बहुत ही फेमस है। इसके नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट फॉर्म आया हुआ है, 106 पदों की वैकेंसी। आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे आवेदन, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को आपको शुरू से आखिरी तक देखना है। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आप सबको सबसे पहले rozgarrizult.com खोलना है। जी हाँ दोस्तों, rozgarrizult.com आप जैसे ही खोलेंगे, इसमें आप नीचे जाएंगे, आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा। दोस्तों, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे ही आप नीचे जाएंगे, आपको मिलेगा MNIT नॉन टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए MNNIT नॉन टीचिंग पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद रिक्रूटमेंट 2019। जी हाँ, 106 पदों की इस वैकेंसी को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2019 से ये फॉर्म चालू हो गया है, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है। और पेमेंट भी आप 30 सितंबर 2019 तक कर सकते हैं। हालांकि अभी एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड की कोई जानकारी वेबसाइट पे नहीं दी गई है। अब चलिए बात करते हैं फ़ीस की। तो जनरल और OBC के कैंडिडेट और EWS के कैंडिडेट 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करेंगे, जबकि SC ST PH फीमेल और महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं है, यानी पूर्णतः निःशुल्क है ये। आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं या तो चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम लोग एज की। तो एज की आयु की गणना 30 सितंबर 2019 से की गई है। दोस्तों, इसमें कई पद है, सुपरिटेंडेंट 5 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट 15 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट 9 पोस्ट, स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट और सीनियर स्टेनोग्राफर 1 पोस्ट। जी हाँ, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29 पोस्ट है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, SCS असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्नीसियन और सीनियर टेक्नीशियन कई पद अलग अलग है। दोस्तों, सबकी आयु अलग अलग है, यानी 30 साल, 27 साल, 33 साल आप उसमें देख सकते हैं। सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है, जैसे किसी में ग्रेजुएशन मांगा है, किसी में इंटरमीडिएट मांगा है। अब देखिए, स्टेनोग्राफर इसमें इंटरमीडिएट के साथ स्टेनो मांगा है, सीनियर अटेंडेंस है उसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। टेक्निकल की बात करते तो उसमें BE, BTEC, MCA सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप BSc है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप उसको एडवर्टीजमेंट पढ़िए या rozgarrizult.com पे सारा एडवर्टीजमेंट उपलब्ध है। इस वीडियो के आखिरी के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पे क्लिक करके सीधे इस पेज पे आके फॉर्म देख सकते हो और फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, फॉर्म खुल चुका है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के आप यहाँ सबमिट करेंगे। आपको एक मोबाइल पे एक OTP आएगा। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब रजिस्टर्ड हो जाए तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और इसमें अपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड अभी आपने डाला था उसको डाल के यहाँ लॉगिन कर देंगे। दोस्तों, करने के बाद आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। दोस्तों, आप चाहे तो एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं। एडवर्टीजमेंट क्लिक करेंगे, देखिए 78 पन्ने का एडवर्टीजमेंट पूरा खुल जाएगा। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके सारे रिक्रूटमेंट, सारा डिटेल और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह ढेरों नौकरियों के फॉर्म लेके हम आते रहते हैं, इसलिए तुरंत हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आप हमारी हम डालें तो आपको तुरंत मिल जाए और आपसे कोई भी फॉर्म छूटने ना पाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।